Hello everyone, welcome to GATE Education. In previous lecture, we have completed VSB modulation. Now, in this lecture, we will discuss the concept of complex envelope. तो चलिए start करते हैं. Concept of complex envelope. Consider a बैंड पास सिग्नल. कंसीडर ए बैंड पास सिग्नल एक्स टी. अब जैसे देखो, हमने इनवेलप डिटेक्टर में क्या पढ़ा था, हमने इनवेलप पढ़ा था. ईडी का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, सिग्नल का इनवेलप होता है. जैसे आपका एएम सिग्नल था, एसी वन प्लस के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, तो कॉस टू पाई एफ सी टी का एम्पलीट्यूड कैसे वेरी कर रहा था, वहीं से इनवेलप मिलता था. वो वैसे सिग्नल के अकॉर्डिंग करता था, ठीक है. तो वो आपका रियल इनवेलप होता था. ऐसे ही हमारा ये कॉम्प्लेक्स इनवेलप है. ये हम किसके लिए, किसको, किसके लिए यूज करते हैं, ये बैंड पास सिग्नल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है. तो इन जनरल हमने कंसीडर किया है कोई भी एक बैंड पास सिग्नल, क्योंकि जब भी हमारा कोई बैंड पास सिग्नल होता है, हमेशा हम बैंड पास सिग्नल को इन फेज कंपोनेंट और क्वाडेचर कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो बहुत सारा काम इन फेज कंपोनेंट क्या होगा, क्वाडेचर कंपोनेंट क्या होगा, बहुत सारा काम कॉम्प्लेक्स एनवेलप की हेल्प से होता है. तो जिन जनरल हमने क्या किया, कंसिडर किया आपका बैंड पास सिग्नल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मॉड्यूलेशन हो जाता है तो वो सिग्नल कैसा हो जाता है, आपका बैंड पास सिग्नल हो जाता है, ठीक है. मैसेज सिग्नल आपका बेस बैंड है, जब उसको मॉड्यूलेट किया है, जितनी भी टेक्निक अभी हमने पढ़ी हैं, मॉड्यूलेट होने के बाद सिग्नल कैसा हो गया, आपका बैंड पास सिग्नल हो गया है, ठीक है. तो हमने एक बैंड पास सिग्नल ले लिया है, मान लीजिए ये अपना बैंड पास सिग्नल है. ये स्पेक्ट्रम बना दिया है बैंड पास सिग्नल का, सिग्नल एक्स टी था बैंड पास सिग्नल. ठीक, तो हम ये जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी एक सिग्नल एक्स टी है जो कैसा है, बैंड पास सिग्नल है, ठीक है. अब जो भी सिग्नल हो एक्स टी, देन द कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप of xt is defined as xpt is equals to xt plus j x cap t. क्या define कर रहे हैं, इस signal के लिए जो आपका band pass signal xt है, इसके लिए प्री इनवेलप डिफाइंड, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप डिफाइंड कर रहे हैं, ठीक है. जिसके हेल्प से हम आगे चल के भी आगे क्या निकालेंगे, आगे चल के आपका कॉम्प्लेक्स इनवेलप निकालेंगे. तो हमने एक नया सिग्नल डिफाइन किया है जिसको बोलना है कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप ऑफ एक्स टी. डिफाइन कैसे है, एक्स पी टी इक्वल्स टू एक्स टी प्लस जे एक्स कैप टी, जहाँ पे एक्स कैप टी क्या है, एक्स कैप टी क्या होगा आपका, पढ़ी चुके हैं हम पीछे एम कैप टी एस एस पी में पढ़ा था. एक्स कैप टी क्या रिप्रेजेंट रहता है आपका, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी, ठीक. अब यहां पे लिख लो पहले प्रॉपर्टी, लिख लो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की. अगर कोई सिग्नल एक्स टी है, अगर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स एफ है, तो एक्स कैप टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाता है, ये सिग्नल से हमको पता है. अगर कोई सिग्नल एक्स टी, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स एफ है, तो उसके हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है आपका माइनस के जे सिग्नम ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ, ठीक है. ये फूरियर ट्रांसफॉर्म से सिग्नल सिग्नल एंड सिस्टम के थ्रू मैंने लिखा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म से आता है ये, सिग्नल्स में मैंने करा रखा है. तो एक्स कैप टी इक्वल्स टू माइनस के जे सिग्नम एफ एक्स ऑफ एफ,
तो क्या है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब मैं आपके ले लो, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स पी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स पी एफ से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स एफ ये ऊपर दिया ही है स्पेक्ट्रम, एक्स एफ यही एक्स एफ है, प्लस के जे एक्स कैप टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होगा ये वाला, माइनस के जे सिग्नम ऑफ एफ, सिग्नम ऑफ एफ एक्स एफ कितना हो जाएगा, देखो यहां से ये एक्स ऑफ एफ ये जे और जे जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर होता है माइनस वन और माइनस वन पहले माइनस ये पहले से है तो कितना हो जाएगा प्लस के ही हो जाएगा, प्लस के सिग्नम ऑफ एफ एक्स ऑफ एफ ये हमारा आ गया है एक्स पी एफ। तो क्या हो गया देखो यहां से एक्स पी एफ इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एफ कॉमन ले ले रहा हूं मैं तो कितना बचेगा अंदर वन प्लस के सिग्नम ऑफ एफ। अब सिग्नम ऑफ एफ पता है क्या होता है, सिग्नम ऑफ एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है ये वन फॉर एफ ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन फॉर एफ लेस देन जीरो एंड एट एफ इक्वल्स टू जीरो क्या होता है डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, इस टाइप से प्लॉट जाता है आपका सिग्नम का, ये होता है सिग्नम ऑफ एफ का प्लॉट, उसका है ये सिग्नम ऑफ एफ का प्लॉट, ये वैल्यू वन ये वैल्यू माइनस वन, जीरो पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्या जा रहा है जीरो पे, जीरो पे माइनस वन से वन पे जा रहा है, बट हम इसके लिए क्या कर लेते हैं एवरेज वैल्यूज भी लेते हैं, हम क्या ले ले रहे हैं जीरो पे एवरेज वैल्यू ले रहे हैं जो जीरो माइनस पे है और जो जीरो प्लस पे है, जीरो माइनस पे देखो कितना है माइनस वन, जीरो प्लस पे कितना है वन, तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो एवरेज वैल्यू ये कहाँ पे मिल जाएगी हमको जीरो पे मिल जाएगी, तो कितना आएगा ये आंसर है जीरो आएगा, तो एफ इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी लिख रहे हैं एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं, जो एवरेज वैल्यू कितना आएगा जीरो पे, देखो अब यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अब इसको एफ की टोटल रेंज में जैसे यहाँ पे डिवाइड किया है इसी टाइप से लिख रहे हैं, अगर आपका एफ क्या है ग्रेटर देन जीरो है, एफ ग्रेटर देन जीरो तो इसका आंसर देखो कितना हो जाएगा, फॉर ग्रेटर देन जीरो के लिए सिग्नम ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है वन, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू टाइम्स एक्स ऑफ एफ, फॉर एफ लेस देन जीरो अगर एफ लेस देन जीरो है तो सिग्नम की वैल्यू कितनी है माइनस वन, तो वन माइनस वन कितना हो गया जीरो, जीरो इंटू एक्स एफ कितना आ गया है जीरो आ गया है, एट एफ इक्वल्स टू जीरो एफ इक्वल्स टू जीरो पे सिग्नम की एफ की वैल्यू कितनी है जीरो, वन प्लस जीरो कितना बचेगा एक्स ऑफ एफ बचेगा, ठीक है अब यहाँ पे एफ इक्वल्स टू है कितना जीरो है तो क्या हो जाएगा एफ की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू है एफ इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स ऑफ एफ कहाँ पे एफ इक्वल्स टू जीरो पे, तो एफ इक्वल्स टू क्या पुट कर दिया है जीरो पुट कर दिया है। अब इसका हम प्लॉट बनाते हैं, एक्स एफ का प्लॉट आपको पता है तो आपको एक्स पी एफ का प्लॉट मिल जाएगा, देखो कैसे जाएगा क्या है एक्स पी एफ फॉर ग्रेटर देन जीरो, जब आपका एफ क्या है ग्रेटर देन जीरो तो कितना आ रहा है टू एक्स एक्स ऑफ एफ, तो देखो इसका प्लॉट कैसे बनेगा, क्या है जब एफ ग्रेटर देन जीरो है, एफ ग्रेटर देन जीरो पे देखो एक्स एफ कैसा था ये रहा एफ ग्रेटर देन जीरो, एफ ग्रेटर देन जीरो ये वाला रीजन है, तो स्पेक्ट्रम देखो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला ही तो है ग्रेटर देन जीरो पे, ये वाला तो नेगेटिव साइड है, हमने क्या देखा पहली कंडीशन क्या है एफ ग्रेटर देन जीरो, तो ये वाला स्पेक्ट्रम है, तो एक्स एफ और किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे टू से मल्टीप्लाई कर रहे थे टू एक्स एफ, यानी कि हम क्या कहते हैं जो पॉजिटिव साइड स्पेक्ट्रम था उसकी हम टू से स्केलिंग कर दे रहे हैं, तो हमने ये टू से स्केलिंग कर दी। एफ लेस देन जीरो के लिए क्या हो रहा है जीरो ही है, यानी कि नेगेटिव साइड का स्पेक्ट्रम क्या हो जा रहा है जीरो हो जा रहा है, कुछ नहीं बनाना है। एफ इक्वल्स टू जीरो पे क्या है एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो देखो कितना है
एक्स ऑफ जीरो तो जीरो ही है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एक्स ऑफ जीरो क्या है, जीरो ही है, तो एक्स ऑफ जीरो क्या रहेगा आपका, जीरो ही रहा। तो क्या हो गया आपका, जो सिर्फ पॉजिटिव साइड का एनवेलप था उसको आपने क्या कह दिया है, टू से स्केल कह दिया, उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया है। एक्स पी टी का जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए आपने क्या किया है, बस जो आपका बेस बैंड पास सिग्नल जो दिया था उसका जो पॉजिटिव वाला साइड का स्पेक्ट्रम था उसको आपने क्या कह दिया है, टू से स्केल कर दिया है, नेगेटिव वाले को जीरो से स्केल कर दिया है। तो क्या हो गया, इधर जीरो हो गया है, और एक्स ऑफ जीरो को एक्स ऑफ जीरो से रिप्लेस किया है, तो एक्स जीरो कुछ जीरो ही था, तो यहाँ पे जीरो ही है। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, दैट इज पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ एक्स एफ इज स्केल्ड बाई टू इज स्केल्ड बाई टू एंड नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ एक्स एफ इज स्केल्ड बाई जीरो बाई जीरो। तो देखो यहाँ से हमको जो बैंड पास सिग्नल एक्स टी दिया था तो उसका जो हमको कॉम्प्लेक्स तीन वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, स्पेक्ट्रम को देख के, जो भी आपका बैंड पास सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, जो पॉजिटिव साइड का स्पेक्ट्रम था उसको किससे स्केल करा दोगे, टू से करा दोगे, जो नेगेटिव साइड का स्पेक्ट्रम उसको स्केल किससे करा दोगे, जीरो से करा दोगे, और एक्स ऑफ जीरो तो एक्स ऑफ जीरो के बराबर ही है, तो एक्स ऑफ जीरो जीरो ही था। यानी कि अगर आपको एक्स पी टी का स्पेक्ट्रम चाहिए तो हम सिंपल बोल दें कि टू टाइम्स द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। तो क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप इज इक्वल्स टू टू टाइम्स द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ठीक, तो सिंपल है, कोई भी आपको बैंड पास सिग्नल दिया जाए उससे आपको कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप का स्पेक्ट्रम चाहिए तो क्या करना है, टू टाइम्स द पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यानी कि पॉजिटिव साइड वाला जो था उसकी आप टू से स्केल कर देते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हो, नेगेटिव साइड वाले को नहीं देना, नेगेटिव साइड कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ये आपको मिल गया क्या, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप। अब देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप आया है, ये आया है हमारे पास, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बेस बैंड स्पेक्ट्रम में, किसमें, बेस बैंड स्पेक्ट्रम में। तो ये सिग्नल हमारा जो ये स्पेक्ट्रम है ये बेस बैंड कैसे बनेगा, अगर इसको हम क्या कह दें, लेफ्ट शिफ्ट कर दें एफसी से, क्या कह दें, एफसी से लेफ्ट शिफ्ट कर दें, तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा, ये वाला स्पेक्ट्रम बेस बैंड स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, बेस बैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एफसी लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे। एफसी लेफ्ट शिफ्ट कराने का मतलब क्या है, लिख लो, नाउ वी डिफाइन ए, नाउ वी डिफाइन कॉम्प्लेक्स बेसबैंड इक्विवेलेंट, कॉम्प्लेक्स बेसबैंड इक्विवेलेंट फॉर दी बैंड पास सिग्नल, फॉर दी बैंड पास सिग्नल एक्सटी बेसबैंड इक्विवेलेंट एक्स टिल्ड टी क्या हो जाएगा,
क्या करना है देखो आपको, इसको लेफ्ट शिफ्ट कराना है किससे, एफ सी से। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स पी एफ प्लस एफ सी। एफ प्लस एफ सी का मतलब क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट कराना। यानी कि क्या हो रहा है देखो, ये एक्स पी एफ प्लस एफ सी कर दोगे तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, जीरो के अराउंड पहुंच जाएगा। तो यानी कि अगर इसको हम टाइम डोमेन में लिखें, तो टाइम डोमेन में देखो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कब होता है, जब एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे एक्स पी टी इंटू, अगर यहाँ पे देखो पॉजिटिव में है एक्स एक्स पी एफ प्लस एफ सी, तो इधर जो एक्सपोनेंशियल में पावर आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म के लेक्चर में बताया था, तो क्या हो जाएगा माइनस के जे टू पाई एफ सी टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो कितना आएगा, एक्स पी एफ प्लस एफ सी, तो इतना हो जाएगा। जहाँ पे एक्स टी क्या है, बेस बैंड इक्विवेलेंट, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट। इसका जो गिवन सिग्नल एक्स टी था, क्या इसका स्पेक्ट्रम आएगा, देखो स्पेक्ट्रम बना लो यहाँ पे, एक्स पी एफ को शिफ्ट कर दिया था लेफ्ट, कितने से, एफ सी से। तो ये मिल जाएगा हमको, ये वैल्यू कितनी होगी, टू एक्स ऑफ एफ सी। पीछे से देख लो, यहाँ से चले थे हम, यहाँ पे अगर वैल्यू लिखना चाहूंगा इस पॉइंट पे, ये पीक वैल्यू कितनी होगी, एक्स ऑफ एफ सी होगी। ठीक है, कहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं, एफ सी पे लिख रहे हैं, तो एक्स एफ की एफ सी पे वैल्यू, तो एक्स ऑफ एफ सी है। टू से स्केल हुआ तो ये पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू से स्केल हो गई, एक्स ऑफ एफ सी हो गई। अब इसको शिफ्ट करा दिया है तो ये वैल्यू कितनी है, टू एक्स ऑफ एक्स सी। तो ये किसका स्पेक्ट्रम है आपका, एक्स टिल्ट ऑफ एफ का, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स पी एफ ऑफ एफ प्लस एफ सी। तो आपने क्या किया, जो आपको बेस बैंड पास सिग्नल एक्स टी दिया था, उसको आपने कन्वर्ट कर लिया एक इक्विवेलेंट बेस बैंड सिग्नल में। कैसे किया ये प्रोसेस, पहले आपने प्री कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकाला है, फिर उसको शिफ्ट करा दिया है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ किसकी, एक्स पी टी की, कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप। एक्स पी टी क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स प्री एनवेलप, बताइए पीछे लिखा हुआ है। तो एक्स टिल्ट टी कितना हो जाएगा, एक्स पी टी, एक्स पी टी देखो कितना था हमारा, एक्स टी प्लस जे एक्स कैप टी, ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी। इसको कॉस और साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी। माइनस के जे साइन ऑफ टू पाई एफ सी टी, मल्टीप्लाई कर लो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट लिख लो अलग अलग। देखो रियल पार्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा, एक्स टी को कॉस टू पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा, एक्स टी कॉस टू पाई एफ सी टी, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल पार्ट आएगा। तो कितना हो जाएगा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमको, जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर माइनस वन होता है और माइनस ये पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू क्या टर्म है, एक्स कैप टी इंटू साइन टू पाई एफ सी टी। ये आपका रियल टर्म मिल जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो। इमेजनी टर्म देखो क्या आएगा, कहाँ कहाँ से इमेजनी टर्म मिलेगा, जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, एक्स कैप टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, और
जब पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, क्या मिल जाएगा, जे तो कॉमन ही दे रखा है, तो कितना हो जाएगा माइनस के एक्स टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। तो यहाँ से चार टर्म आएंगे, चारों टर्म लिख लिए, रियल वाले अलग लिख लिए और इमेजिनरी वाले अलग लिख लिए। अब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एक्स टिल्ड टी इज इक्वल्स टू जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को लिख रहा हूँ एक्स ऑफ आई टी, इसको क्या बोलते हैं इन फेज कंपोनेंट, और प्लस जे है, जे का मतलब 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, तो इस वाले टर्म को क्या बोलेंगे क्वाड्रेचर कंपोनेंट बिकॉज ऑफ 90 डिग्री शिफ्ट, प्लस के जे एक्स क्यू टी। जहां पे आपका एक्स आई टी क्या है, इसको बोलते हैं इन फेज कंपोनेंट, इन फेज कंपोनेंट ऑफ एक्स टिल्टिटी, इन फेज कंपोनेंट एक्स टिल्टिटी, और एक्स क्यू टी को, एक्स क्यू टी को क्या बोलेंगे क्वाड्रेचर कंपोनेंट। क्वाड्रेचर कंपोनेंट ऑफ एक्स टिल्टिटी वेयर इन फेज कंपोनेंट कितना है, देखो एक्स आई टी इक्वल्स टू कितना है, पीछे से देख के लिखो, एक्स आई टी इक्वल्स टू एक्स टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस के एक्स कैप टी साइन ऑफ 2 पाई एफ सी टी। इन फेज कंपोनेंट था, क्वाड्रेचर कंपोनेंट हम किसको लिखे थे, एक्स क्यू टी इज इक्वल्स टू एक्स कैप टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी माइनस के एक्स टी साइन ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ठीक, तो हम बोल सकते हैं अब कि अगर आपका कोई भी बैंड पास सिग्नल दिया गया है उसको हम बेसबैंड इक्विवेलेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं, और जो बेसबैंड इक्विवेलेंट वाला सिग्नल होगा वो आपका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, जिसमें एक क्या होगा इनफेज कंपोनेंट होगा प्लस के जे टाइम्स क्वाड्रेचर कंपोनेंट होगा, जहाँ पे इनफेज कंपोनेंट की वैल्यू क्या है ऐसे लिखोगे एक्स आई टी इक्वल्स टू एक्स टू ये, और ऐसे ही एक्स क्यू टी इक्वल्स टू दिस, क्योंकि आपको बेसबैंड सिग्नल एक्स टी तो पता ही है ही, तो अपने आप ये लिख लोगे, एक्स टी पता है तो एक्स कैप टी पता चल जाएगा, बाकी तो कॉस 2 पाई एफ सी टी और साइन 2 पाई एफ सी टी है। अब देखो, अब इस वाली इक्वेशन से देखो, ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर इक्वेशन वन से मैं कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप क्या था आपका एक्स ऑफ टी, तो एक्स ऑफ पी टी, एक्स ऑफ पी टी कितना आ जाएगा वहां से देखो, एक्स टिल्ट टी इंटू ई टू द पावर क्या था, देखो माइनस में था ई टू द पावर माइनस, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ से एक्स पी टी इक्वल्स टू एक्स टिल्ट ऑफ टी इंटू ई टू दी पावर प्लस के जे 2 पाई एफ सी टी, क्या हो जाएगा ई की पावर जे 2 पाई एफ सी टी। अब कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप और किसके बराबर होता है, सबसे पहले डिफाइन किए थे एक्स टी प्लस जे एक्स कैप टी से, ठीक,
अब अगर हमको एक्स टी यहाँ से निकालना है तो एक्स टी है क्या, देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स थ्री इनवेलप है उसका रियल पार्ट ही तो है एक्स टी, तो हमको क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट। तो एक्स टी इक्वल्स टू क्या है, रियल पार्ट है किसका, एक्स टी इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ एक्स पी टी, रियल पार्ट ऑफ एक्स पी टी यानी कि कॉम्प्लेक्स थ्री इनवेलप का रियल पार्ट है कितना, एक्स पी टी बेस बैंड इक्विवेलेंट के फॉर्म में ये रहा, तो क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एक्स टिल्ट ऑफ टी ई टू द पावर जे टू पाई एफ सी टी, इतना हो जाएगा। अब यहां से इसकी रियल वैल्यू निकालो, एक्स टिल्ट ऑफ टी क्या होता है, अभी पीछे लिखे हैं एक्स टिल्ट ऑफ टी क्या लिख सकते हैं, इन फेज कंपोनेंट प्लस जे टाइम्स क्वाड्रेचर कंपोनेंट, ये तो हो गया है क्या आपका एक्स टिल्ट ऑफ टी, जो कि क्या ये कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट है। ऐसे ही इसको कॉस और साइन में लिख लो, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी प्लस के जे साइन टू पाई एफ सी टी, इतना हो जाएगा। क्या लेना है यहाँ से, रियल पार्ट लेना है, तो रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लो कितना आएगा, ये फोर एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, देखो रियल पार्ट कहाँ कहाँ से मिलेगा, जब एक्स आई टी को कॉस टू पाई एफ सी टी से मल्टीप्लाई करोगे एक वहां से मिल जाएगा रियल पार्ट, तो एक्स ऑफ आई टी इंटू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, और रियल पार्ट कहाँ से मिलेगा, जब इमेजिनरी इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो जे इंटू जे जे स्क्वायर हो जाएगा, और जे स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस एक्स क्यू टी इंटू साइन टू पाई एफ सी टी, बाकी तो इमेजिनरी टर्म मिलेंगे, हम एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, रियल पार्ट। तो ये आ गया आपका एक्स ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ इन फेज कंपोनेंट एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, क्या है ये, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बैंड पास सिग्नल, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर बैंड पास सिग्नल, जहां पे जो आपका एक्स आई टी है और एक्स क्यू टी है, ये कैसे सिग्नल हैं, दोनों के दोनों बेस बैंड सिग्नल हैं, बेस बैंड सिग्नल हैं, देखो क्या था अपना एक्स टिल्ट ऑफ टी, ये क्या था, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट है, तो इसका रियल इन फेज कंपोनेंट है क्वाड्रेचर कंपोनेंट, तो ये भी क्या है आपके बेस बैंड सिग्नल ही है, ठीक है। हमने क्या कह लिया, देखो जो आपका बैंड पास सिग्नल था उसको हमने बेस बैंड सिग्नल्स के टर्म्स में लिखाया है, क्या है इन फेज कंपोनेंट बेस बैंड सिग्नल है, फिर इसको हम क्या करा दे रहे हैं, फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट करा दे रहे हैं, तो ये क्या बन गया है, बैंड पास मिल गया है, ऐसे इसको भी करा दे रहे हैं, क्वाड्रेचर कंपोनेंट कैसा है बेस बैंड है फ्रिक्वेंसी में शिफ्ट करा दे रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा आपका बैंड पास सिग्नल मिल जाएगा। तो इन जनरल कोई भी आपका सिग्नल हो कैसा हो, सिग्नल है वो कैसा है आपका बैंड पास सिग्नल है, तो बैंड पास सिग्नल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और हमेशा इसी फॉर्म में लिखा था अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं मॉड्यूलेशन, अभी देखो सारे जितने भी हमने एक्सप्रेशन निकाले थे सबको इसी से रिलेट करूंगा, अभी मैं थोड़ी देर में सारे मॉड्यूलेशन के जो एक्सप्रेशन आए थे सारे इसी फॉर्म में लिखे थे, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। तो हमेशा इन जनरल कोई भी बैंड पास सिग्नल लिखा जाता है वो कैनोनिकल फॉर्म में लिखा जाता है, और कैनोनिकल फॉर्म कैसे मिल रहा है आपको, प्री कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स एनवेलप की हेल्प से मिल रहा है। एक्स आई टी क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स एनवेलप का रियल क्या नाम रियल पार्ट है। एक्स क्यू टी क्या है? कॉम्प्लेक्स एनवेलप का इमेजिनरी पार्ट है। तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स एनवेलप फाइंड करते हैं। कोई भी सिग्नल बैंड पास सिग्नल है उसको हम कैनोनिकल फॉर्म में लिखते हैं। कैनोनिकल फॉर्म में इनफेज कंपोनेंट और क्वाड्रेचर कंपोनेंट, और ये दोनों ही कंपोनेंट हमको कहाँ से मिलते हैं? वो हमको कॉम्प्लेक्स एनवेलप से मिलते हैं। अब देखो हम एक्स टिल्ट ऑफ टी को क्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट था, अब इसको हम इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनवेलप। इसको ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स एनवेलप। क्यों बोल रहे हैं? अब जैसे हमारा जब हमने ए एम सिग्नल पढ़ा था उसमें क्या था, cos 2 पाई एफ सी टी, और उसका जो एम्पलीट्यूड था वो क्या होता था, ई डी का आउटपुट, उसको क्या बोलते थे, इनवेलप। ऐसे यहाँ पे देखो क्या है, ये आपका ए की पावर जे 2 पाई एफ सी टी, ये तो एक क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड है वो ये था, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड कितना था, ये था एक्स ऑफ टिल्ट ऑफ टी। तो इसी को हम क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड को ही तो हम बोलते थे इनवेलप। तो ऐसे यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इनवेलप। कॉम्प्लेक्स इनवेलप ऑफ एक्स पी टी, ठीक। तो लिख लो यहाँ पे, यानी कि जो आपका एक्स टिल्ट ऑफ टी है, एक्स टिल्ट ऑफ टी इज इक्वल्स टू द कॉम्प्लेक्स इनवेलप ऑफ एक्स पी टी। एक्स पी टी क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप, क्योंकि ये हमने कॉम्प्लेक्स इनवेलप फाइंड करने के लिए पहले क्या किया है, इस चीज को फाइंड किया जाता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप। और ये है क्या, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट। किसका इक्विवेलेंट है ये, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट ऑफ जो आपका बैंड पास सिग्नल दिया था, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट ऑफ बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल एक्स टी। ये चीज याद रखना। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, इस वाली इक्वेशन पे आ जाओ, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन पे। x ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स आई टी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस के एक्स क्यू टी साइन 2 पाई एफ सी टी, ठीक। अब यहाँ पे आपको जो cos 2 पाई एफ सी टी है और साइन 2 पाई एफ सी टी है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ e की पावर में, किसमें, e की पावर के फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स आई ऑफ टी कॉस टू पाई एफ सी टी को ई की पावर के टर्म में लिख लेता हूँ, ई की पावर जे टू पाई एफ सी टी प्लस ई की पावर माइनस के जे टू पाई एफ सी टी डिवाइड बाई टू। माइनस के एक्स क्यू टी साइन को क्या लिखेंगे, ई की पावर जे टू पाई एफ सी टी माइनस के ई की पावर माइनस के जे टू पाई एफ सी टी डिवाइड बाई टू जे, कितना हो जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, e की पावर जो पॉजिटिव वाला टर्म है, e की पावर जे टू पाई एफ सी टी, e की पावर जे टू पाई एफ सी टी, यहाँ से e की पावर वाले पॉजिटिव वाले टर्म एक साथ लिख ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा, वन बाई टू क्या मिल जाएगा ये, एक्स आई टी, वन बाई टू एक्स आई टी यहाँ से मिलेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो, यहाँ को जे को ऊपर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा, जे को ऊपर मल्टीप्लाई करो, जे को नीचे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर
जे स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा देखो प्लस के जे एक्स क्यू टी इंटू ई की पावर जे टू पाई एफ सी टी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी का टर्म अलग लिख लो, कितना आएगा देखो ये प्लस के, यहाँ से देखो क्या मिलेगा वन बाई टू एक्स आई टी, तो वन बाई टू एक्स आई टी, यहाँ से कितना मिलेगा ये प्लस जे हो गया था, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का मतलब प्लस का जे, तो यहाँ पे हम माइनस, तो माइनस के वन बाई टू पहले कॉमन ले रखा है, तो माइनस के जे एक्स क्यू टी इंटू ई की पावर माइनस के जे टू पाई एफ सी टी, निकाल लो यहाँ से खुद से करते जाओ, ई की पावर जे टू पाई एफ सी टी एक टर्म अलग लिख लो, ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ सी टी का टर्म अलग लिख लो, देखो ये क्या लिखा है वन बाई टू, ये क्या है एक्स टी प्लस जे एक्स क्यू टी, ये आपका कॉम्प्लेक्स इनवेलप ही तो लिखा है वो एक्स टिल टॉप टी, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स इनवेलप क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स इनवेलप ये रहा, ये देखो रहा कॉम्प्लेक्स इनवेलप, ठीक है। क्या है कॉम्प्लेक्स इनवेलप, कितना है देखो टू, टू टाइम्स है, टू से स्केलिंग किया था, क्या हो जाएगा देखो, अब देखो ये वाला टर्म हमको क्या देगा, ये क्या लिखा है एक्सपीटी, एक्सपीटी क्यों एक्सटिल टॉप टी लिखा हुआ है, एक्सटिल टॉप टी को कितना शिफ्ट कर रहे हो एफ सी से शिफ्ट कर रहे हो, किधर शिफ्ट कर रहे हो आप राइट शिफ्ट कर रहे हो, तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा राइट से, और फिर क्या कह रहे हो टू से डिवाइड कर रहे हो, जो आप स्केलिंग थी वहां पे टू से, टू से डिवाइड कर दो तो स्केलिंग खत्म हो जाएगी, तो आपको देखो क्या मिल रहा है पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ एक्स टी, और ये क्या है ये उसका कंजुगेट ले रहे हैं, ठीक है, जो भी सिग्नल था बेसमेंट इक्वेंस का कंजुगेट लिया है, फिर उसको किधर शिफ्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है ई की पावर माइनस के जे टू पाई एफ सी टी, तो इसको कहाँ शिफ्ट होगा ये वाला देखो बताओ मुझे, ये राइट शिफ्ट होगा, किधर जाएगा राइट, नहीं राइट क्यों लेफ्ट जाएगा, ठीक है ना, ये किधर जाएगा लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाने का मतलब नेगेटिव साइड ज्यादा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बैंड ऑफ एक्स टी, यानी कि ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका क्या पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड को, ठीक है। तो एक्स टी में दो ही चीजें थी, एक आपका पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड वाला रीजन था, एक नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बैंड वाला रीजन था, तो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड देखो इस वाले कंपोनेंट से मिल रहा है, ये वाला नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बैंड माइनस के एफ सी, माइनस के एफ सी प्लस एफ एम, माइनस के एफ सी माइनस एफ एम, दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों ऐड करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा एक्चुअल बेस बैंड, एक्चुअल बैंड पास सिग्नल एक्स टी, ठीक है, तुमको क्या मिल गया है अपना जो एक्चुअल बैंड पास सिग्नल था वो मिल गया है। अब बस हमने क्या किया है, बस यहाँ पे ये चीज देखो, कोई भी सिग्नल है जो बैंड पास सिग्नल है वो किस फॉर्म में लिखोगे, कैनोनिकल फॉर्म में लिखोगे, जिसमें क्या होगा इनफेज कंपोनेंट होगा, इनफेज कंपोनेंट क्या होता है बेसबैंड सिग्नल होता है, और साथ में क्या होगा क्वाडेचर कंपोनेंट भी होगा, क्वाडेचर कंपोनेंट क्या होता है वो भी बेसबैंड सिग्नल होता है, तो एनी बैंड पास सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, और इससे आपका क्या मिल रहा है देखो सेम वही एक्चुअल सिग्नल आ जा रहा है। अब देखो पूरा एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिससे सारा एक बात समझ में आ जाए क्या क्या चीजें हमने की थी इसमें। देखो क्या है इन जनरल कोई भी सिग्नल है, जैसे कि हमने सारा मॉड्यूलेशन किया था, सारे के सारे क्या सिग्नल थे बैंड पास सिग्नल थे। अब बैंड पास का मतलब क्या है, चाहे बैंड पास बोल दो
चाहे पास बैंड बोल दो चाहे नैरो बैंड बैंड दो, एक ही बात है। नैरो बैंड का मतलब क्या होता है, बैंड पास ही होता है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी अपन लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का रेशियो अप्रोक्सीमेटली वन आएगा। तो कुछ भी बोल दो, चाहे बैंड पास बोलो, चाहे नैरो बैंड बोलो, चाहे पास बैंड बोलो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो हमने एक सिग्नल लिया जो कैसा है, बैंड पास सिग्नल, तो ये रहा। अब इस सिग्नल का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट, यानी कि जो बैंड पास सिग्नल है इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस बैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो वो आएगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, तो इसलिए इसको बोलने हैं कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट। अब वो कैसे आएगा, तो उसके लिए पहले हम डिफाइन करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप, उसकी हेल्प से हमको क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड जो पॉजिटिव साइड का फ्रिक्वेंसी रीजन है उसकी क्या कर देंगे, टू से स्केलिंग कर देंगे। पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव स्पेक्ट्रम इसको क्या कर दो, टू से स्केल कर दो। जो नेगेटिव स्पेक्ट्रम है उसको क्या कर दो, जीरो से स्केल कर दो, और जीरो वाली वैल्यू को एज इट इज रखो। तो देखो क्या आ गया है, यहाँ से ये आ गया पॉजिटिव साइड के स्पेक्ट्रम को टू से स्केल कर दिया है, नेगेटिव साइड के स्पेक्ट्रम को जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जीरो वाले को एज इट इज रखा है। तो ये हमको क्या मिल गया है, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप, ठीक है ना, बेसमेंट में कन्वर्ट करने से पहले उसका कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप। तो कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप निकाल लिया। अब इसके थ्रू आप इसको बेसमेंट में कन्वर्ट कर लोगे, कैसे कन्वर्ट कर लोगे, इसको लेफ्ट शिफ्ट करा के, तो यानी कि लेफ्ट शिफ्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पी एफ प्लस एफ सी। तो वो क्या आएगा देखो, तो वो आपका ये आ गया है, यहाँ से इसको टाइम डोमेन में लिख लिया है, कैसे आएगा, फ्रिक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। एक्स पी टी को कितना शिफ्ट कर रहे थे, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, तो इधर प्लस किया है, तो इधर पावर में क्या आएगा, माइनस आया, तो ये आ गया है। तो हमको ये क्या मिल गया, बेस बैंड इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया है। ये जो सिग्नल था एक्स टी, बैंड पास सिग्नल दिया था, उसका हमने क्या फाइंड कर लिया, बेस बैंड इक्विवेलेंट, सही है। अब देखो यहाँ से, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया हमने, क्या लिख लिया, जो बेस बैंड इक्विवेलेंट है इसमें दो कंपोनेंट है, एक इन फेज कंपोनेंट और एक क्वाडेचर कंपोनेंट है। क्वाडेचर क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्रीज का इसमें फेज है, जे का मतलब e की पावर जे पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है, 90 का मतलब क्वाडेचर। तो इसको हम बोलना है इन फेज कंपोनेंट, और इसको बोलना है क्वाडेचर कंपोनेंट, किसका, बेस बैंड इक्विवेलेंट का, ठीक है। तुम कहाँ कहाँ पहुंच गए, बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल का बेस बैंड इक्विवेलेंट चाहिए हमको। बेस बैंड इक्विवेलेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक इन फेज कंपोनेंट होता है, एक क्वाडेचर कंपोनेंट होता है। इन फेज कंपोनेंट रियल पार्ट से मिलता है, क्वाडेचर कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट से मिलता है। फिर हमने एक्सपीटी जो प्री इनवेलप था उसको कॉम्प्लेक्स इनवेलप के फॉर्म में लिख लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, बेसिक डिफिनीशन, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्स टिल टी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स इनवेलप ऑफ एक्सपीटी। और एक्स टिल टी है क्या, बेस बैंड इक्विवेलेंट, किसका, बैंड पास सिग्नल का जो स्टार्टिंग में लिए थे। तो एक्स टिल टॉप टी बेस बैंड इक्विवेलेंट है बैंड पास सिग्नल का, और इसी को हम कॉम्प्लेक्स इनवेलप ऑफ एक्सपीटी बोलते हैं। एक्सपीटी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्री इनवेलप, ठीक। अब जो हमारा बैंड पास सिग्नल था इसको कैनोनिकल फॉर्म में हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी बैंड पास सिग्नल होगा हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाता है। उसमें क्या है, इनफेज कंपोनेंट, इनफेज कंपोनेंट क्या होता है आपका, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट, यानी कि कॉम्प्लेक्स इनवेलप का रियल पार्ट है ये, इसको क्या बोलते हैं, इनफेज कंपोनेंट। और कॉम्प्लेक्स इनवेलप का इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर कंपोनेंट। तो एनी बैंड पास सिग्नल कैन बी रिटन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनफेज कंपोनेंट एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट, वेयर द इनफेज कंपोनेंट और क्वाड्रेचर कंपोनेंट आर द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इनवेलप। तो ये था आपका, तो कॉम्प्लेक्स इनवेलप क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी सिग्नल वो लिखा जाता है हमेशा कैनोनिकल फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देख लो, हम जो पढ़ चुके हम लोग, फॉर एग्जाम्पल एएम सिग्नल देख लो, क्या पढ़े थे, देखो एस ए एम टी, ए सी 1 प्लस के ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अब देख लो इसमें क्या है, इसको कंपेयर करो, कैसा सिग्नल था, एस ए एम टी बैंड पास सिग्नल ही है एस ए एम टी, ठीक है। अब बैंड पास सिग्नल है तो कोई भी बैंड पास सिग्नल आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, कैनोनिकल फॉर्म में लिख सकते हो। कंपेयर करो उस इक्वेशन से, क्या है देखो, कॉस 2 पाई एफ सी टी है इनटू एस आई टी इन फेज कंपोनेंट, कॉस के साथ क्या होता है, इन फेज कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इन फेज कंपोनेंट एस आई टी, कॉस के साथ वाला इन फेज कंपोनेंट, साइन वाला टर्म तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्वाड्रेचर कंपोनेंट कितना है, जीरो है, एस क्यू टी कितना है, जीरो है,
इन फेज कंपोनेंट ये रहा, क्वाड्रेचर कंपोनेंट क्या रहा ये रहा। अगर मैं इसका पूछूं एस ए एम टी का कॉम्प्लेक्स एनवेलप बताओ, कॉम्प्लेक्स एनवेलप देखो कितना हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनवेलप क्या बताए थे, एक्स टिल्ट ऑफ टी था, तो यहाँ पे एस के टर्म में लिखा, तो एस के टर्म में लिख रहा हूँ। एस किसका निकालना है, ए एम टी का, सिग्नल बैंड पास सिग्नल कौन सा है, एक्स ए एम टी। तो इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए एम टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिग्नल था, क्या था आपका रियल पार्ट था और इमेजिनरी पार्ट था, रियल पार्ट क्या था इनफेज कंपोनेंट था, तो एस आई टी इनफेज कंपोनेंट प्लस के जे क्वाड्रेचर कंपोनेंट, क्वाड्रेचर कंपोनेंट कितना है जीरो, इनफेज कंपोनेंट कितना है ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या जाएगा ए सी वन प्लस के ए एम टी। तो अगर आपसे कोई ए एम सिग्नल का कॉम्प्लेक्स एनवेलप पूछे तो कितना होगा, ये होगा डायरेक्टली सिग्नल आपका कैनोनिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको आपको स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म से कंपेयर कर दो, वहाँ से इनफेज कंपोनेंट देख लो, क्वाड्रेचर कंपोनेंट देख लो, यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर दो इस वाले एक्सप्रेशन में, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स एनवेलप मिल जाएगा किसी भी सिग्नल का। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल डीएसबी पढ़ा था हमने, डीएसबी में देखो क्या हो जाएगा, क्या था एस डीएसबी टी, के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा था हमने, के एम टी कॉस टू पाई एफ सी टी, कंपेयर करो उसको भी, तो बताओ यहां से देखो क्या मिलेगा हमको, कैनोनिकल फॉर्म से कंपेयर करना है, ये भी कैसा है डीएसबी भी आपका कैसा सिग्नल होता है, बैंड पास सिग्नल होता है, तो देखो कॉस वाले टर्म में जो होता है वो क्या होता है इनफेज कंपोनेंट होता है, तो एस आई टी यहाँ पे ये रहा, साइन के साथ कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं साइन वाला टर्म, तो यहाँ पे एक्स क्यू टी कितना हो जाएगा, एक्स क्यू टी जीरो हो जाएगा, एक्स क्यू टी इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैं पूछूं डीएसबी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स एनवेलप बताओ, कॉम्प्लेक्स एनवेलप तो क्या लिखूंगा, एस डी एस बी टी टिल्ट क्या है एस आई टी प्लस जे एस क्यू टी, एस क्यू टी कितना है जीरो, एस आई टी कितना है के एम टी, तो ये आ गया है कॉम्प्लेक्स एनवेलप ऑफ डी एस पी सिग्नल। एक और एग्जाम्पल लिख लो, एस एस पी भी पढ़ चुके हैं हम, एस एस पी के लिए देखो क्या होगा, क्या होता है एस एस बी सिग्नल, एस एस बी भी आपका बैंड पास सिग्नल ही होता है, एस एस बी टी इक्वल्स टू क्या लिखे थे जनरल एक्सप्रेशन, के एम टी बाई टू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी माइनस के एम टी बाई टू साइन ऑफ टू पाई एफ सी टी। एस एस बी में नेगेटिव साइन किसके लिए लेते हैं, फॉर अपर साइड बैंड, पॉजिटिव साइन किसके लिए लेते हैं, फॉर लोअर साइड बैंड ठीक। अब देखो यहाँ पे दोनों टाइम है, एक कॉस वाला टाइम है और एक साइन वाला टाइम है, तो देखो ये भी बैंड पास सिग्नल था, तो यहाँ पे भी देखो बैंड पास सिग्नल को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, कैनोनिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें एक इनफेज कंपोनेंट होगा एक क्वाड्रेचर कंपोनेंट होगा। देखो इनफेज कंपोनेंट यहाँ से क्या मिलेगा, अगर हम अपर साइड बैंड के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं अपर साइड बैंड, पहले हम लिख रहे हैं अपर साइड बैंड के लिए लिख रहे हैं, इनफेज कंपोनेंट देखो कितना मिल जाएगा अपर साइड बैंड के लिए, एस आई टी जो कॉस के साथ होता है वो इनफेज कंपोनेंट होता है, तो क्या मिल जाएगा के एम टी बाई टू, क्वाड्रेचर कंपोनेंट क्या मिलेगा, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं अपर साइड बैंड के लिए, अपर साइड के लिए मतलब आप नेगेटिव साइन कंपेयर करोगे, तो नेगेटिव साइन डायरेक्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो जो कैनोनिकल फॉर्म का था, वो क्या था आपका एक्स आई टी कॉस टू पाई एफ सी टी माइनस के एक्स क्यू टी कॉस टू पाई एफ सी टी, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स क्यू टी कितना मिल जाएगा के, यहाँ पे एम कैप टी कर लेना, ये एम कैप टी है, यहाँ पे एम कैप टी लगा लेना, के एम कैप टी अपॉन टू, अपर साइड बैंड के लिए प्रश्न आया, तो अपर साइड बैंड के लिए अगर मैं तुमसे बोलूँ कॉम्प्लेक्स एनवेलप कितना होगा, कॉम्प्लेक्स एनवेलप तो क्या आएगा एस 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 बी
टी टिल्ट इन फेज कंपोनेंट, के एम टी बाई टू प्लस जे टाइम्स क्वाड्रेचर कंपोनेंट, जे टाइम्स क्वाड्रेचर कंपोनेंट कितना है, ये है के एम कैप टी बाई टू, बन गया इतना। ऐसे मुझे बताओ अगर लोअर साइड बैंड के लिए बात करूं मैं, तो लोअर साइड बैंड में कौन सा साइन लोगे, पॉजिटिव वाला साइन लोगे, तो क्या हो जाएगा, देखो इन फेज कंपोनेंट जो कॉस के साथ लिखा है, क्या जाएगा, इन फेज कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा के एम टी बाई टू। अब क्वाड्रेचर कंपोनेंट देखो कैसे मिलेगा, क्या है पॉजिटिव साइन वाला कंसीडर करोगे लोअर साइड बैंड के लिए, पॉजिटिव साइन है तो क्या था स्टैंडर्ड एक्स में माइनस करके लिखा था, तो यहाँ से बताओ एक्स एस क्यू टी कितना मिलेगा हमको, क्या ये प्लस के लिखा है, देखो कैसे लिखा है प्लस के एम कैप टी बाई टू साइन टू पाई एफ सी टी। अब आपको जनरल वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर करना है जो कैनोनिकल फॉर्म मैंने लिखा था, माइनस फॉर्म में लिखा था तो माइनस में कर लो इसको, क्या कर लोगे के एम कैप टी बाई टू, तो हो गया है माइनस में कन्वर्ट, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा एक्स क्यू टी इक्वल्स टू क्या है माइनस के एम कैप टी बाई टू, ठीक है लिख लो उसके लिए कॉम्प्लेक्स एनवेलप क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स एनवेलप एस एस बी टिल्ट टी विल बी इक्वल्स टू इन फेज कंपोनेंट के एम टी बाई टू प्लस के जे टाइम्स क्वाड्रेचर कंपोनेंट, क्वाड्रेचर कंपोनेंट कितना है ये है, तो क्या हो जाएगा माइनस के जे के एम कैप टी बाई टू। तो अगर दोनों के एक साथ हम लिखना चाहें तो क्या जा रहा है एस एस बी टिल्ट टी यानी कि एस एस बी का जो इनवेलप है वो क्या होगा के एम टी बाई टू, तो क्या था हमारा अपर बैंड साइड बैंड के लिए प्लस था, लोअर साइड बैंड के लिए माइनस था, के एम कैप जे टाइम्स के एम कैप टी बाई टू, किसके लिए कॉम्प्लेक्स इनवर्स आ गया है एस एस बी के लिए आ गया है, पॉजिटिव फॉर अपर साइड बैंड एंड नेगेटिव साइन फॉर लोअर साइड बैंड, ठीक है। तो ये साइन याद रखना, देखो यहाँ पे क्या माइनस साइन जो जनरल एक्सप्रेशन है जो माइनस साइन होता है वो अपर साइड बैंड के लिए होता है, पॉजिटिव साइन होता है वो लोअर साइड बैंड के लिए होता है, डायरेक्टली तुरंत यहाँ से निकाल के लिख दो स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म से कंपेयर करो, तो ये इन फेज कंपोनेंट मिल रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेचर कंपोनेंट मिल रहा है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट कहते टाइम ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस करके लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको माइनस के फॉर्म में रख के क्वाड्रेचर कंपोनेंट निकालना है, जैसे मैंने लोअर साइड बैंड के केस में देखो ऐसे करके निकाला है माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो वहां से देखो क्या मिल रहा है वो क्वाड्रेचर कंपोनेंट होगा। तो कोई भी आपका बैंड पास सिग्नल है हमेशा कैनोनिकल फॉर्म में ही लिखा जाता है, तो आपने देख लिया सारे जितने एक्सप्रेशन पीछे निकाले थे सब कैनोनिकल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट थे। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग डालो, बैंड पास ट्रांसमिशन के लिए हमको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट लो पास ट्रांसमिशन, इक्विवेलेंट लो पास ट्रांसमिशन, लो पास बोल दो चाहे बेस बैंड बोल दो कुछ भी बोल दो ठीक है, लो पास ट्रांसमिशन ठीक है। ठीक है, तो बैंड पास का मतलब क्या है, बैंड पास, पास बैंड, नैरो बैंड, बेस बैंड का मतलब क्या है लो पास। अब इसको हम थोड़ा सिस्टम में जा रहे हैं, वो तो हमने सिग्नल के लिए पढ़ लिया है इतना, ठीक है सिस्टम में कैसे इसको अप्लाई करोगे, मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है
जो कैसा है आपका सिस्टम, कैसा है बैंड पास ट्रांसमिशन के लिए, यानी कि सिस्टम कैसा होगा जो उसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा वो बैंड पास के फॉर्म का होगा, ये आपका बैंड पास सिस्टम है, बैंड पास सिस्टम। स्पेक्ट्रम मान लिया कुछ एच ऑफ एफ है, इनपुट जो आ रहा है वो भी बैंड पास ही है, बैंड पास ट्रांसमिशन है क्योंकि, तो हमने मान लिया इस पे जो इनपुट आ रहा है वो एक्स एफ है। आउटपुट पे क्या मिलेगा हमको इसके, बाई ऑफ एफ, सीधा क्या हो जाता है फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स ऑफ एफ इंटू एच ऑफ एफ। तो ये तो हो गया आपका बैंड पास ट्रांसमिशन, एक्स एफ भी बैंड पास है, सिस्टम भी बैंड पास है, आउटपुट पे भी बैंड पास सिग्नल मिल रहा है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, इक्विवेलेंट लो पास ट्रांसमिशन में, यानी कि क्या हो जाए ये सिस्टम भी हमारा लो पास में कन्वर्ट हो जाए, ये भी लो पास में रहे, ये भी लो पास में रहे। एक बार आपको लो पास इक्विवेलेंट मिल गया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स इनवेलप मिल गया है, और कॉम्प्लेक्स इनवेलप से आप क्या लिख लेते हो, बैंड पास सिग्नल लिख लेते हो, क्योंकि बैंड पास सिग्नल होता क्या है, इन फेज कंपोनेंट क्वाड्रेचर कंपोनेंट का समी होता है, इन फेज कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स इनवेलप से मिलता है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स इनवेलप से मिलता है। अब इस सिस्टम को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लो पास में, तो कॉम्प्लेक्स लो पास सिस्टम, इससे रिप्रेजेंट करेंगे लो पास को, कॉम्प्लेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स टिल्ट ऑफ एफ कॉम्प्लेक्स इनवेलप, इधर बाई टिल्ट ऑफ एफ, टिल्ट का मतलब कॉम्प्लेक्स इनवेलप। तो ये हमको क्या मिल गया है, इक्विवेलेंट लो पास ट्रांसमिशन मॉडल। क्या होगा बाई टिल्ट एफ, सिंपल बेसिक फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, दिस इनटू दिस, तो ये मिल जाएगा आपका एक्स टिल्ट ऑफ एफ इनटू एच टिल्ट ऑफ एफ। अब अगर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बाई टी चाहिए होता है हमको आउटपुट पे, तो बाई टी यहाँ से वो कैसे मिल जाएगा, बाई टी इक्वल्स टू क्या लिखे थे पीछे हम, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनवेलप लिख रहे थे, रियल पार्ट ऑफ बाई टिल्ट ऑफ टी इंटू ई टू द पावर जे टू पाई एफ सी टी, यही तो लिखा था पीछे, क्या था ई की पावर में लिखा था, यहाँ पे क्या लिख रहे थे इसको कॉम्प्लेक्स इनवेलप बोल रहे थे, बाई टी का कॉम्प्लेक्स इनवेलप, तो जो इसका रियल पार्ट लिए थे तो क्या मिल गया था बाई टी एक्स टी मिल गया था, ऐसे यहाँ पे रियल पार्ट क्या मिल जाएगा बाई टी मिल जाएगा। हमने क्या कह लिया है, बैंड पास इक्विवेलेंट को लो पास इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया है। देखो लो पास निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं, वही तरीका, पॉजिटिव वाले को स्केलिंग कहते हैं टू से, नेगेटिव वाले को जीरो से, और जीरो वाला एजिटेज, तो एक्स टिल्ट ऑफ एफ यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको एच टिल्ट ऑफ एफ निकालना है, ठीक है, एच टिल्ट ऑफ कैसे निकलेगा, क्या है एच एफ, एच एफ तो आपका बैंड पास सिस्टम है, देख हम जनरल बैंड पास सिस्टम ले ले रहे हैं, एक हमने आपका जनरल बैंड पास सिस्टम ले लिया है, ठीक है, ये क्या था बैंड पास सिस्टम था आपका, फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ बैंड पास सिस्टम।
किसमें कन्वर्ट किया है इसको, बेस बैंड इक्विवेलेंट में किसमें कन्वर्ट किया है, कॉम्प्लेक्स बेस बैंड इक्विवेलेंट या लो पास इक्विवेलेंट। क्या करते थे अभी तक पीछे हमने क्या बताया, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी की 2 से स्केलिंग करते और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को 0 से स्केलिंग करते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं, हमको मतलब किससे है, आउटपुट से मतलब है। आउटपुट आपका सेम ही मिलना चाहिए, चाहे आप बैंड पास के थ्रू निकालो चाहे आप लो पास के थ्रू निकालो, आउटपुट क्या रहना चाहिए, बाई टी मिलना चाहिए हमको, सेम मिलना चाहिए। तो देखो क्या होगा, क्या बोला था, इसकी हम 2 से स्केलिंग करते हैं, पहले जो बताया था जनरल तरीका सिग्नल के टर्म्स में क्या किया था, पॉजिटिव को 2 से स्केल किया, नेगेटिव को 0 से स्केल किया, उसके बाद क्या कहते थे उसको, लेफ्ट शिफ्ट कराते थे। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे हम स्केलिंग 2 से नहीं कराएंगे, जब सिस्टम की बात आ रही हो, बाकी प्रोसेस सेम रखना है, बस इसकी क्या नहीं करेंगे, 2 से स्केलिंग नहीं करेंगे, तो इसको 2 से स्केल नहीं कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, इधर वाले से क्या मिल जाएगा, जीरो, इधर 0 से स्केलिंग करा रहे हैं, इसकी 2 से स्केलिंग नहीं करा रहे हैं, तो ये वाला सिर्फ 1 से स्केलिंग, तो जो था वही रहेगा, इधर वाला 0 से स्केलिंग तो 0 हो गया है, इसको शिफ्ट कराओगे एफसी से लेफ्ट साइड तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इस सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे स्केलिंग कितने से हो रही थी, 1 से ही हो रही, के था तो के से स्केलिंग हो रही थी, कोई भी सिग्नल है यहाँ पे इनपुट पे बैंड पास सिग्नल है, जब इसको बैंड पास फिल्टर से पास कराओगे तो बैंड पास फिल्टर का जो गेन होगा वही तो उस रीजन में जाएगा। अब देखो जितना गेन होगा, गेन आपको इतनी रखना है तभी बाइट की सेम मिलेगा, अगर आप यहाँ पे इसकी स्केलिंग कर दोगे 2 से तो यहाँ पे क्या होगा, भले ही रीजन में लो पास में पहुंच गए हो तो एक्स्ट्रा गेन दे दे रहे हो आप एक्स टी से, तो क्योंकि आप एक्स बैंड पास सिग्नल जो एक्स टी था उससे तो आपका रिकवर हो जा रहा था, वो अपने एक्सप्रेशन देख लिया 1/2 करके आ जा रहा था। ठीक है ना, लास्ट में सबसे लास्ट में जो लिखा था 1/2 एक्स पी टी ई की पावर जे 2 पाई एफ सी टी, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बैंड और नेगेटिव फ्रिक्वेंसी बैंड के टर्म्स में जो लिखा था। ठीक है, तो वो 2 यहाँ से एडजस्ट हो जा रहा था। अब अगर आप यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा एक, तो यहाँ पे जो वाई टी मिलेगा वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा जो होना चाहिए, जो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन जो हो रहा है गेन को चेंज नहीं करना है, आउटपुट पे गेन यहाँ से सेम ही आना चाहिए, अगर आप यहाँ से 2 से स्केलिंग कर दोगे तो यहाँ पे गेन आउटपुट का क्या हो जाएगा, 2 से भी गेन भी 2 से स्केल हो जाएगा, जो कि नहीं करना है हमको स्केलिंग में। ये वाला तो एडजस्ट हो जा रहा है हमारा, बट यहाँ पे एडजस्ट करना है, इसका गेन और इसका गेन हमको क्या रखना है, सेम रखना है, जिससे क्या रहे, ये वाला सिग्नल और ये वाला सिग्नल सेम रहे। तो सिस्टम की बात करें पौधा प्रोसेस सेम रखना है, बस आपको क्या नहीं करनी है, स्केलिंग नहीं करनी है पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी की, स्केलिंग कर दोगे अगर 2 से तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटपुट अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गेन से मल्टीप्लाई हो रहा है, गेन आपका सेम रखना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये रीजन है यहाँ पे। तो ये हो गया बैंड पास का लो पास इक्विवेलेंट ट्रांजिशन। अब देखो इसका यूज कहाँ है, अब हमने जो वीएसबी मॉड्यूलेशन पढ़ा था, अभी बीएस मॉड्यूलेशन का मैंने कोई भी स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्म का एक्सप्रेशन नहीं लिखा है, अभी तक जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था पीछे सिर्फ इस फॉर्म में लिखा था एक्सप्रेशन, क्या करके लिखा था एक्सप्रेशन, एस बी एस बी टी इक्वल्स टू म्यू ए सी बाई 2 कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी, और क्या लिखा था, प्लस के सम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ सी प्लस एफ एम टी प्लस के फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लोअर साइड बैंड, यही तो लिखे थे पीछे अभी हम अभी तक। तो अभी हमने सब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं निकाला, फ्रैक्शनल पार्ट क्या है कितना होगा, या तो दिया जाए तो उससे तो पावर ही आएगी, पर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा सिग्नल का, तो वो चीज़ अब हमको निकालनी है, वो चीज़ आपकी इसी कंसेप्ट के थ्रू आएगी, इससे लो पास और बैंड पास के कंसेप्ट से। तो ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वीएसबी सिग्नल का टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इस कंसेप्ट के थ्रू। सो वी विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर, थैंक यू वेरी मच। फॉर मोर वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब गेट एजुकेशन चैनल।